प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से आप सभी लोगों को मेरा सलाम मैं पेश करता हूं। आप लोगों के साथ मिलकर खुदावन की महिमा करने के लिए मुझे जो मौका मिला उसके लिए मैं खुदावन का शुक्रिया अदा करता हूं। सबसे पहले सारी आदर महिमा इज्जत और जलाल मैं खुदावन यीशु मसीह को देना चाहता हूं। अजीजों मेरे सामने जो वक्त है इस वक्त की नजाकत को देखकर अगला मेरे ख्याल से 50 से 55 मिनट में आपसे बात करूंगा और मेरे सामने बहुत सारे जवान हैं जिनको मैं देख रहा हूँ। जवानों के लिए मैं खुदावंत का शुक्रिया अदा करता हूँ। खुदा आप सबों को बहुत आय से आशीष दे। तो जवानों ये जवानी का जो जिंदगी है और जो समय है ये बहुत ही सबसे बेशकीमती समय है, इसलिए इसको अच्छी तरीके से आपको एंजॉय करना है, खुदा में रहकर एंजॉय करना है, वचन के लिमिट के अंदर आपको एंजॉय करना है, ठीक है। तो एक समय था हम उस दौर से गुजरे हैं और उस दौर की तमाम बातों को हम समझते हैं। आप जिस दौर से गुजर रहे हो उस दौर में हम कल थे और आज हम जिस दौर में गुजर रहे हैं उस दौर में कल आप रह जाओगे। तो हमने वहां पर भी देखा, हमने यहां पर भी देखा है। तो आप लोगों के इस संदर्भ को हम अच्छी तरह समझ सकते हैं। तो अजीजों जब मैं आज आप लोगों को देख रहा हूं और आप लोगों के साथ में जब बातचीत कर रहा हूं तो मेरा संदेश का जो मुख्य शीर्षक जो मैं आपके सामने रखूंगा वो है पहचान। मैं आप लोगों को स्क्रीन में भी दिखाना चाहूंगा कि क्या है ये चीज, मैं जिस बात को आपके सामने रखने जा रहा हूं वो क्या चीज है। तो अक्सर जवानी की जिंदगी में सबसे बड़ा एक इश्यू जो आता है वो है हमारी आइडेंटिटी क्राइसिस, मतलब हमारे पहचान के ऊपर एक आक्रमण होता है। अब मैं आपको यहां की एक बात मैं बताता हूं, थोड़ा सा मजाक जैसे आपको लगेगा तो वो ज्यादा आपको समझ आएगा और ये कुछ लोगों की प्रॉब्लम है इंडिया में, तो वो बताता हूं। फॉर एग्जांपल जैसे इंडिया से हम लोग यहां पर आ गए तो अगर हम अमेरिका में आए तो यहां गोरों और कालों के बीच में आते हैं, ठीक है। तो यहां पर जब हम आते हैं और यहां पर इनके साथ रहते हैं तो हमारे बच्चे जो यहां बड़े होते हैं तो ये बच्चों की सबसे बड़ी दिक्कत है यार, बच्चे इन लोगों के साथ में रहकर उनको बताना चाहते हैं कि हम अमेरिका में रहते हो तो अमेरिकन है, लेकिन उनकी चमड़ी के जो रंग है उसके रंग से उनको समझ में आया था कि वो अमेरिकन नहीं है भारतीय है। तो आप तुम कुछ भी कर लो भाई, हम उनको बोलते हैं तुम कुछ भी कर लो, तुम कैसे भी अंग्रेजी बोल लो, तुम कैसे भी अंग्रेजी फाक लो, लेकिन तुम हो हिंदुस्तान। तो इसी प्रकार ये पहचान इन लोगों के बीच में एक पहचान का एक क्राइसिस होता है कि हम है क्या, हम जिस जगह में रहते हैं उस जगह की पहचान है हमारी पहचान, या हम जिस जगह से आए हैं या जिस जगह के हैं वो है हमारी पहचान, ठीक। इसी प्रकार अब मान लीजिए ये हमारे जो मल्लू भाई लोग हैं जो केरल से आए, या जो महाराष्ट्रियन है जो महाराष्ट्र से आए, या आप ले लीजिए यूपी से जो आए, ठीक है, यूपी वाला आके जब एमपी में रह जाता है, या महाराष्ट्र आके जब एमपी में रहता है, या केरल वाला तमिल मद्रास वाला जब एमपी में आते हैं तो इनकी भी एक पहचान की एक तकलीफ होती है कि यार हम जब बात करते हैं तो हम हिंदी में बात करते हैं तो हिंदी में भले हम कितना भी अच्छा बात करें है तो वो मद्रासी, वो मल्लुई है, मद्रासी है, अरे वो भाव है महाराष्ट्र में, ठीक है। तो ये जो चीज है ये पहचान की एक सबसे बड़ी एक तकलीफ है। और यूपी वाले आते हैं, हाँ वो भाई यूपी के हैं, तो अब वो यूपी वाला जब मुंबई में रहता है तो उसकी सबसे बड़ी तकलीफ ये है कि मुंबई वाला उसे कभी यूपी वाले को मुंबई नहीं समझता है, और यूपी वाला मुंबई को भले मुंबई समझना चाहता है लेकिन मुंबई वाले यूपी वाले को मुंबई महाराष्ट्र समझेंगे नहीं। तो ये सब पहचान की बहुत बड़ी इश्यू है। यही चीज हमारे जवानों के बीच में है कि यार अब ये जवान आप लोग चर्च में आते हैं तो ठीक है, चर्च में आए आप, चर्च में बहुत गाना हुआ बजाना हुआ, हमने बहुत सारे गाना बजाना आराधना कर दिया, और जैसे आराधना के बाद आप मार्केट में जाते हैं तो भाई पहचान की सबसे बड़ी तकलीफ ये है कि वहां पर हम कैसे पहचाने जाए। हम चर्च गए तो ठीक है, मसीह है, मसीह हमारी पहचान है, लेकिन जब हम मार्केट में जाते हैं तो हमारी पहचान क्या है। तो हम और जो कॉलेज जाते हैं जो स्कूल जाते हैं उनकी पहचान क्या है। देखिए अक्सर लोग ये बोलना भी पसंद नहीं करते हैं कि हम चर्च जाते हैं या मसीह है, कई लोग इसे बताना नहीं चाहते क्योंकि उनकी पहचान में उनकी जो आइडेंटिटी है पहचान जो है उस पहचान से भी डरते हैं। तो मैंने ये देखा है जब हम कॉलेज जाते हैं तो यू नो हम बड़े कूल बनना चाहते हैं कि कॉलेज में या स्कूल में बड़ा कूल बनना चाहते हैं कि कोई हमको ये नहीं समझे कि यार हम बहुत भक्त हैं और प्रार्थना वाले हैं, वो नहीं समझना चाहते तो हम वो पहचान बताना ही नहीं चाहते। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम सब जगह है और स्पेशली जवानों के साथ है।
जब आप लोग माँ बाप के साथ चर्च जाते हैं तो ठीक है, माँ बाप ने आपको चर्च में लेके गए और आप चर्च में गए, गा रहे हैं, बजा रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन जैसे आप कॉलेज या स्कूल जाते हैं तो वो वहां पर एक प्रॉब्लम है, क्या मैं कैसे अपने आप को डालू। कॉलेज के लड़के या लड़कियां कुछ अलग ढंग से आते हैं, उनकी तैयारी अलग ढंग की, उनकी रहन सहन अलग ढंग की होती है, उनके कंघी अलग ढंग की होती है, उनके पहनावा अलग ढंग का होता है, यही नहीं, उनकी बातचीत अलग ढंग का होता है, उनकी फ्रेंडशिप अलग ढंग का होता है। तो चर्च की जो आपकी तौर तरीके हैं वो कॉलेज में फिट नहीं होता, और कॉलेज के तौर तरीके आपके चर्च में फिट नहीं होता। तो ये एक बड़ी पहचान की एक तकलीफ है यार, यहां पर फिट हो कि वहां फिट, और वहां फिट होते तो यहां अनफिट हो जाते, यहां फिट हो जाते तो वहां अनफिट हो जाते। कई लोगों की तकलीफ ये है कि मैं चर्च में बिल्कुल फिट हूँ लेकिन कॉलेज में बिल्कुल फिट नहीं हूँ, स्कूल में बिल्कुल फिट नहीं हूँ। फिर कुछ लोगों की तकलीफ ये है कि मैं कॉलेज और स्कूल में बिल्कुल फिट हूँ लेकिन यार ये चर्च जो है वो फिट नहीं होता। तो ये फिट अनफिट, ये आइडेंटिटी क्राइसिस कहते हैं। और मेरे हिसाब से अगर आप कॉलेज में पढ़ते हो तो ये एक आकलन, ये जो आकलन है ये आकलन बिल्कुल सही है। थोड़ा सा आप स्टैटिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे तो आज का जवान बिल्कुल कंफ्यूज है। तो पता नहीं आप जो मुझे सुन रहे हैं आप में से कितने लोग कंफ्यूज है मुझे पता नहीं, शायद ये प्रॉब्लम आपकी प्रॉब्लम है या नहीं ये मुझे पता नहीं। और कई बार ये देखिए, आप अपनी पहचान बनाना चाहते हैं लेकिन सामने वाला आपको उस तरह से पहचाना नहीं चाहता। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको कहा कि यहाँ के बच्चे, मेरे बच्चे जब वो कॉलेज जाना चाहते हैं या कॉलेज जाते हैं दूसरे दोस्तों के साथ, गोरों और कालों के साथ रहते हैं, तो वो अपनी पहचान बताना चाहते हैं कि मैं भी अमेरिकन हूं, लेकिन यहाँ के लोग उसे मानने को तैयार नहीं होते। इसी प्रकार आप कॉलेज जाते हैं, ठीक है, आप कॉलेज जाते हैं, वहां पर आप बताना चाहते हैं कि भाई तुम जैसे कूल हो वैसे मैं भी बड़ा कूल हूँ, है, तुम जैसे हो मैं भी वैसे ही हूं, लेकिन वो तुम्हें मसीह होने के कारण एक्सेप्ट करना मुश्किल हो, या आपका एक्सेप्टेंस वहां मुश्किल है कि आपको वो उस तरह से एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो ये जो क्राइसिस है, इस क्राइसिस को हम कैसे निवारण करेंगे, इस क्राइसिस में हम कैसे बाहर निकलेंगे। तो मैं जानता हूं ये जो संदेश है ये पासवानों के लिए नहीं है, ये संदेश बुजुर्गों के लिए भी नहीं है। मैं कंप्लीट फोकस यूथ के ऊपर कर रहा हूँ, कंप्लीट फोकस बच्चों के ऊपर कर रहा हूं, लेकिन पासवानों को भी ये बात को अच्छी तरह समझना पड़ेगा कि हमारे बच्चे जो संघर्ष से जा रहे हैं उसे हम समझने की कोशिश करें, जितने लीडर्स हैं उसे समझने की कोशिश। कई बार ये होता है कि हम उन्हें नहीं समझते, हमको जो समझ में आता है उनको समझाना चाहते हैं बस, हम उनके 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 जूते पहन के जरा देखें, उनके जूते में घुसकर देखें कि यार वो समझ क्या रहा है, उनकी प्रॉब्लम क्या हो समझे। दोस्तों मैं आपको सही बात बता रहा हूं कि मेरे अपनी जिंदगी में, मैं जब जवान था तो हमारे जितने पासवान लोग थे या हमारे जो भी एल्डर्स थे, मैं इस बात से बड़ा दुखी हूं कि हमारे जमाने में हमें समझने के लिए बहुत कम लोग हुआ करते थे, हमारे जमाने में हमें समझने के लिए बहुत कम लोग हुआ करते थे, हमारी प्रॉब्लम को कोई नहीं सुनता था, हमारी हमारी प्रॉब्लम के बारे में कोई बात ही नहीं करता था। वहां पर तो ये बोलते थे, वो जो बोलते हैं बस चुप चुप सा सुन लो, मतलब हमने जो कह दिया वो कह दिया, तो कह दिया ना बस कह दिया। तो ये बच्चों को कुछ भी अगर डाउट होता तो पूछ ही नहीं सकते थे क्योंकि डर लगता था, भाई कुछ डाउट है पूछो, तो नहीं हमने कह दिया वो कह दिया, तो भले उनके पास जवाब हो नहीं जवाब हो, और जवाब नहीं हो तो कह देते हाँ तुम बहस कर रहे हो यार, बहस मत क्या करो, हमने जो कह दिया वो कह दिया। दोस्तों जितने भी पासवान लोग हैं उनको मैं एक बात हिदायत देना चाहूंगा, आज के जमाने में आप अपने बच्चों से, जवानों से ये जवाब नहीं दे सकते कि बहस मत करो, उनका पूछना लाजिमी है, वो पूछेंगे, और उनके सवालों का जवाब देना हमारा कर्तव्य है। तो एटलीस्ट जितने जवान पास्टर लोग हैं, मैं आप लोगों से एक बात कहूंगा कि आप लोगों के जवानों के सवालों का जो जवाब है, उन सवालों का जवाब आपके पास होना चाहिए। कोई जरूरी नहीं है कि सारे सवालों का जवाब हमारे पास हो, आप बिल्कुल अच्छे से नम्रता पूर्वक उनसे कह सकते हैं बेटा आप जो पूछ रहे हो मुझे समझ में आ रहा है लेकिन मैंने उसके बारे में कभी सोचा है, मैं कुछ दिन बाद आपके पास आते हैं, मैं थोड़ा इसके बारे में अध्ययन कर लूँ, अध्ययन करके मैं आपको बता दूंगा। तो ये बताने में हमें शर्म की जरूरत नहीं है, मैंने PhD की है और आज भी मेरे जवान जब मुझसे पूछते हैं कोई सवाल तो कई ऐसे सवाल होते हैं जिसका जवाब मेरे पास नहीं होता, मैं उनसे कहता हूँ कि यार बेटा मैंने कभी उस बारे में सोचा नहीं यार, हमारे जमाने में तुमने इस बात को सोचा नहीं, अब तुम जब ये मुझसे पूछ रहे हो मैं इसका करेक्ट आंसर थोड़ा सा पढ़ के बताऊं, तो ये बताने में कोई तकलीफ नहीं, हमें जरूर बताना चाहिए। और जवानों मैं आपसे ये कहता हूं कि जब आपके पास सवाल हो
तो आपके सवालों का ये जो पहचान की बहुत सारे सवाल आपके अंदर आता है, क्या मेरी पहचान ये सही है, क्या मैं जो कर रहा हूं सही है, क्या ये पाप है, क्या ये पुण्य है, क्या ये बेटर है, क्या ये, तो ये जो सवाल है ना, ये सवाल को आप अपने मन में दबा के ना रखें। कई लोगों ने सवाल को मन में दबाने के बाद जब उनको जवाब नहीं मिला तो दुनिया में जाकर दुनिया के लोगों से जवाब मांगा, और जब गलत जवाब मिला उस गलत जवाब से उनके जीवन में गलत असर हुआ। तो आपको जवाब कहां मिलना चाहिए? आपको जवाब मिलना चाहिए आपके चर्च में, आपको जवाब मिलना चाहिए आपकी कलीसिया में। तो मैं सारे बच्चों से, जवानों से मैं कहूंगा कि आपके जितने सवाल हो अपने माँ बाप से पूछिए, अपने पासवानों से पूछिए। और मैं एक बात और बताऊं, आपके पासवान कोई भगवान नहीं है, आपके पासवान कोई बड़ा ईश्वर नहीं है, आपका पासवान कोई पंडित नहीं है कि उसको सब चीज का जवाब होगा, नहीं है। आप मुझसे पूछिए, मैंने डॉक्टरेट किया है लेकिन मेरे पास सारे सवालों का जवाब नहीं, मैं आज भी सीख रहा हूं। तो दोस्तों, आप लोग जितने लोग हैं, अगर आपका सवाल है तो ये सवालों को जरूर आप अपने पासवानों से पूछें, उनसे समझे, दुनिया में जाकर गूगल कर उसमें उसे ना समझे, क्योंकि गूगल में सारी चीजें राइट नहीं होती है। आपके पासवान उसके बारे में अच्छा अध्ययन कर आपको जवाब दे सकते हैं, या जब वो नहीं दे सकते तो वो उनके अध्यापकों से पूछे। तो वो पासवान लोग जो है, जो आपके पास आने चाहे उनके पास जवाब नहीं होगा तो वो अपने अध्यापकों के पास जाके पूछेंगे। तो मैं जवानों से क्या कह रहा हूं, अपने दिल की कठिनाई, पहचान की बहुत सारी बातें, जो सवाल है वो आप जरूर पूछें और सीखें। अब हम शुरू करते हैं पहचान के कुछ कड़ियों के साथ, ठीक है। जब हम पहचान की बात कर रहे हैं तो सबसे बड़ी बात यह कि इस पहचान में हम क्या देख रहे हैं। मैं जब पहचान कहता हूं तो ये पहचान क्या चीज है? पहचान जैसे यूसुफ, यू नो फोतीफेर ही लिखा हुआ फोतीफेर है, फोतीफेर के घराने ने परमेश्वर के पक्ष में खड़े होकर अपनी पहचान को बनाया। यूसुफ के बारे में आप जानते हो कि यूसुफ बहुत अलग अलग जगहों से गुजरा, ठीक है। उसे गड्ढे में डाल दिया गया, भाइयों के पास रहा, भाइयों ने उसे गड्ढे में डाला, गड्ढे में से किसी ने उसको उठाया, बेच दिया, मिस्रियों के वहां बेच दिया, और वो मिस्री के वहां गया, वहां फोतीफेर के घर में रहा, और वहां पर वो जेल में रहा, और यहां फिर वो वहां पर फिरौन के पास गया। यहां पर सब यूसुफ ने अपनी एक पहचान को खड़ा रखा। अब आप समझ गए मैं पहचान से क्या कह रहा हूं, अब आप समझ गए होंगे मैं पहचान से मेरा मतलब क्या है। मतलब आप कहां जा रहे हो, कहीं पर भी जा रहे हो, जैसा देश वैसा वेश ना हो, बल्कि आप कौन है, आपकी पहचान क्या है, इस बात का अंदाजा आपको होना चाहिए। यूसुफ ने अपनी पहचान को, जो उसने अपने घर में पाया था, उस पहचान को वो तब भी कायम रखा जब वो गड्ढे में गिरा, वो तब भी कायम रखा जब उसे व्यापारियों ने उस गड्ढे से खरीद लिया, वो तब भी कायम रखा जब उसे बेचा गया, उसने अपनी पहचान को कायम रखा जब वो फोतीफर के घर में एक गुलाम था, वो अपनी पहचान को तब भी कायम रखा जब उसके ऊपर गलत लांछन लगे, वो अपनी पहचान को तब भी कायम रखा जब गलत लांछन के कारण उसे जेल में जाना पड़ा, वो अपनी पहचान को तब भी कायम रखा जब जेल वासियों ने उसे भूल गए, वो अपनी पहचान को तब भी कायम रखा जब वो जेल से बाहर निकलकर फिरौन के पास आया। तो दोस्तों, उसके जीवन के उतार और चढ़ाव में उसे अपनी पहचान को कायम रखा। तो मेरा पहचान का मतलब ये था। दूसरा एक और मैं उदाहरण देता हूं, यहोशु, अपने इसने अपने विश्वास और दृढ़ता के कारण पूरे इसराइलियों में अपनी पहचान को बनाया, ठीक है। स्पेलिंग मिस्टेक्स है, अब स्पेलिंग मिस्टेक्स की तरफ मत जाइएगा। ये यहोशु जो है वो अपने जीवन में बहुत सारे उतार और चढ़ाव को देखा है। मैं यहोशु के बारे में ज्यादा कहना नहीं चाह रहा हूं, लेकिन उतार और चढ़ाव के बीच में जो उसकी पहचान थी ना, उस पहचान को उसने कभी नहीं खोया। अब मूसा को ले लीजिए, पहचान को उसने कभी नहीं खोया, चाहे वो कहीं पर भी रहो, पहचान नहीं खोया उसने, ठीक है। अब वो यहोशु को आप ले लो, चाहे फिर वो आगे भविष्यवक्ताओं को सबको ले लो, कभी भी ये लोगों ने, और दाऊद को ले लीजिए, दाऊद अपने उदार मन और नम्रता के कारण वीरता की पहचान को बना है, ठीक है। उसकी एक अलग पहचान थी, वो भले गोलियात को उसने नीचे गिरा दिया, भले वो शाऊल के सामने वीणा बजाकर शाऊल के अंदर का भूत भगा देता था, दुशाता भगा देता था, भले वो पाप में गिरा, वो सब कुछ हुआ, लेकिन उसकी पहचान से वो हटा नहीं,
उतार वाए चढ़ा वाए लेकिन पहचान उसकी बदली नहीं। इसलिए खुदा कहता है वो मेरा मित्र है, वो मेरा मित्र है जो मेरे दिल को जानता है। तो दोस्तों देखिए ये सारे लोगों को जो मैंने आपके सामने कहा, यूसुफ को ले लो, यहोशू को ले लो, दाऊद को ले लो, ये सब अपनी जवानी के दिनों में जिन्होंने अपनी पहचान को कायम रखा उनके बारे में मैं कह रहा हूं। जब मैं उनके सारे बारे में कह रहा हूं तो अब मैं जिस खास व्यक्ति के बारे में बताना चाहता हूं वो मैं आपके सामने रख रहा हूं और वो उदाहरण है दानियल। दानियल एक ऐसा जवान के रूप में एक ऐसा उदाहरण है जिसने अपनी पहचान को हर कीमत पर बरकरार रखा। तो आज आप सोचेंगे यार बाइबल से दानियल तो आज से कितने साल पहले जीता था भाई, 6000 साल पहले की बात कर रहे हो आप, हम आज 21वीं सदी में रहते हैं, कैसे आप कह रहे हैं ये कि हमारे प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको कहता हूं अजीजों, बाइबल एक ऐसी पुस्तक है जो हजारों साल पहले लिखी है लेकिन आज के जमाने में भी बात करता है, क्योंकि उसके अंदर जीवन है, उसके अंदर सामर्थ्य है, तो आज भी वो बात करता है। अगर आप विश्वास करते हैं तो अपने हाथों को उठा के जल प्रभु को धन्यवाद करें, प्रेज गॉड, आज भी बात करने के लिए सर्वशक्तिमान है। तो मैं आपको जो बता रहा हूं सुनिएगा, दानियल की जिंदगी से कुछ उसकी पहचान की बातें, और आज के युवक को, युवती को, आज के जवानों को, आज के बच्चों को ये कैसे प्रेरित कर सकता है ये मैं आपके सामने रखूंगा, ठीक है। तो दोस्तों दानियल की पहचान की जरा गौर करें, दानियल की पहचान के बारे में जरा गौर करें, दानियल की पहचान क्या है। दानियल को सबसे पहले आप कहां देखते हैं, इसराइल के इतिहास का एक काला दिन आया, इतिहास में एक बहुत बुरा दिन है। अब जो लोग इतिहास को नहीं जानते मैं थोड़ा सा इतिहास के बारे में आपको बताऊंगा और ये आपकी रक्षा है, और जो लोग जानते हैं ये आपकी जानकारी बढ़ाएगी, ठीक है। देखिए इज़राइल एक राज्य है, इज़राइल के राज्य का सबसे काला दिन जो था उस दिन हमने दानियल को ढूंढ निकाला। दानियल छुपा भी था लेकिन इसको ढूंढने में मदद किया जब इज़राइल के ऊपर एक काला दिन आया। वो क्यों मैं कहता हूं कि काला दिन आया, क्योंकि इजरायली राजा और इजरायली लोग जब परमेश्वर को भूल गए, परमेश्वर की इबादत करना भूल गए और वे अन्य देवी देवताओं के पीछे जाने लगे, या सच्चे ईश्वर को छोड़कर उन्होंने अपने मनगढ़ंत ईश्वरों के पीछे जब जाने लगे, तो अब परमेश्वर ने इजरायल पर से अपना हाथ को उठा दिया। इजरायल के ऊपर परमेश्वर का हाथ रहा करता था और परमेश्वर इजरायल को संभालता था, और जब देखा परमेश्वर ने कि इजरायली लोग, इजरायली राजा परमेश्वर के बगैर वो अपना जीवन जीना चाहते हैं और एक मनगढ़ंत कहानियों पर विश्वास कर कर अन्य अन्य ईश्वरों के पीछे जाने लगे जो सच्चे ईश्वर नहीं है, तो परमेश्वर ने जो सच्चा ईश्वर है उसने अपना हाथ खींच लिया। जब हाथ खींच लिया तो उस समय बैबिलोन यानी कि बाबेल करके एक राज्य हुआ करता था, उन दिनों का एक बहुत ही पराक्रमी, बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही बड़ा राज्य था। उस राज्य का राजा था नबुकदनेस्सर। आप लोगों ने ये कहानी सुनी हो, और ये कहानी नहीं है, इतिहास है, ये इतिहास है, तो ये मनगढ़ंत कहानी नहीं है। आज भी इतिहास के पन्नों में ये बिल्कुल प्रबल है और सब लोग इस बात को जानते हैं, ये इतिहास को कोई मिटा भी नहीं सकता, ठीक है। तो बैबिलोन का इतिहास आप पढ़े, इसराइल का इतिहास आप पढ़े, दुनिया का वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़े, तो इस सब में ये चीज देखा जा सकता है। तो नबुकदनेस्सर जो था वो एक बहुत बड़ा राजा बनकर बैबिलोन में वो था। तो बैबिलोन मान लीजिए, मैं आपको अपने मैप में दिखा रहा हूं, मान लो बैबिलोन यहां पर कहीं बैबिलोन था अगर, और यहां पर इज़राइल था, तो ये बैबिलोन से राजा नबुकदनेस्सर इज़राइल में आकर उसके ऊपर चढ़ाई कर दिया, ठीक है। इज़राइल के ऊपर चढ़ाई कर इस इज़राइल के अंदर में जो उस समय दानियल और उसके साथ बहुत सारे जवान थे, इन जवानों को बंदी बना दिया और बहुत ही बुरी स्थिति थी। उस समय इज़राइल का राजा यहोयाकीम था, ध्यान दीजिएगा, बाबेल का राजा जो था वो था नबुकदनेस्सर और यहोयाकीम इज़राइल का राजा था। तो ये नबुकदनेस्सर राजा ने यहोयाकीम जो इज़राइल का राजा था इसके ऊपर चढ़ाई किया और नबुकदनेस्सर द्वारा यरूशलेम को उसने घेर लिया, यानी यरूशलेम इज़राइल का कैपिटल था, जैसे दिल्ली हमारा भारत का कैपिटल है वैसे यरूशलेम इज़राइल का कैपिटल था। तो इज़राइल को पूरी तरह से नष्ट कर यरूशलेम को घेर लिया नबुकदनेस्सर, और क्या हुआ, यहोयाकीम जो इज़राइल का राजा था उसको बंधुआई में ले लिया और मंदिर के तमाम बहुमूल्य वस्तुओं को भी छीन कर नबुकदनेस्सर लेके चला गया।
ये इज़राइल का एक काला दिन था, इसलिए मैंने कहा इज़राइल का ये काला दिन। बाइबल में पहली बार इस काले दिन में हम इन बंदों को देखते हैं, दानियल और उसके तीन दोस्तों को नाम देखते हैं। तब तक हमने दानियल को नहीं देखा था। देखिए कई बार क्या होता, मैं आपको एक चीज ये बता दूं, सारे जवानों को मैं बता दूं कि जवानों कोई भी दानियल को नहीं जानता था, लेकिन आज हम दानियल को तब जानते हैं जब इज़राइल के ऊपर एक काला दिन आया, जब इज़राइल के ऊपर एक भारी विपत्ति आया। तो मैं आपको क्या बताना चाहता हूं दोस्तों, ये विपत्ति और परेशानी जब आती है आपके घर में आए या आपके जीवन में आए, अगर आप खुदा के बंदे हैं तो ये आपको बर्बाद करने के लिए है। विपत्ति के दिन खुदा अपने डरवैयों को, अपने लोगों को बचाता है। विपत्ति के दिन खुदा अपने लोगों को संभालता है, खुदा अपने लोगों को बचाता है। तो ये है सबसे खास बात विपत्ति के दिन। तो अजीजों एक बात ध्यान दीजिए, पहले तो दोस्तों को मैं बता दूं, अगर विपत्ति आती है तो ये समझ लेना विपत्ति के दिन आपकी पहचान बन रही है। विश्वास करते हैं आमीन। विपत्ति जब भी आए, परेशानी जब भी आए, ये मौका है आपकी पहचान को बताने का। मैं एक आमीन चाहूंगा, आमीन। जितने लोग विश्वास करते हैं आमीन दे, आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हो आमीन करके, हैं ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी परेशानी आए, मान लो आप कहीं हार गए, फेलियर आ गया, एक गिर गए कहीं, या आपको लगा कि अरे यार बहुत बड़ा पराजय हो गया, ये तो मेरा सबसे बड़ा पराजय है। जब अब मैं ये पास वालों को भी कहता हूं, जब आपकी मिनिस्ट्री में एक पराजय जैसे आपको लगे, जब आपको लगे कि मिनिस्ट्री में यार मैं थोड़ा नीचे गिर गया, मिनिस्ट्री में ऐसा लगे यार पता नहीं क्या हो गया, बिल्कुल खत्म हो गया, सब थोड़ा बर्बाद हो गया, सब जरा परेशान हो गया, मैं कहना चाहूंगा ये वो समय है हमारे कान खड़े हो जाना चाहिए। ये वो समय है जब खुदा हमारी पहचान को बना रहा है या पहचान को नाप रहा है, और ऐसा है तो आप खुदा के सामने अपनी पहचान को बनाए। ध्यान दीजिए, एक विपत्ति का दिन था इज़राइल के ऊपर, दानियल एक बंदी के रूप में दानियल को लेके गया। जब दानियल को बंदी बनाकर नबूकदनेस्सर ले जा रहा था, तो पता है दानियल की उम्र क्या थी? दानियल की उम्र लगभग 14-15 साल का था, 14-15 साल का था ये बंदा, यानी कि हमारे किसी भी जो जवान है ये जवान की एक उम्र के तकरीब होंगे, ठीक है। तो ये 14-15 साल के उम्र में दानियल को बंदी बना के लेके गया। अब जब दानियल को बंदी बना के लेके, तब हमने पहली बार दानियल को देखा। दानियल को कैसे देख रहे हैं? दानियल को बहुत महान के रूप में नहीं देखा हमने। बाइबल सबसे पहले दानियल को एक गुलाम के रूप में बताता है कि ये देखो दानियल को गुलाम बनाकर नबूकदनेस्सर ने इज़राइल से बेबीलोन लेके गया या बाबेल लेके गया। यह है उसकी पहली पहचान। दूसरी पहचान सुनिए, जब दानियल को लेके गया तो उसका परिवार को लेके नहीं गया, सिर्फ 14-15 साल के एक लड़के को उठा के लेके गया, क्योंकि दिखने में वो बहुत अच्छा था, दिमाग वाला था, उसको उठा के लेके चला गया। सोचिए दानियल की उम्र 14-15 साल, परिवार में कोई उसके साथ जा रहा है क्या? कोई नहीं है, ना माँ ना बाप ना भाई ना बहन, कोई भी नहीं, अकेला लड़के को उठा के लेके गया। सोच लो जवानों कि कोई कल खुदा ना करे कहीं हमारे साथ अगर ऐसा हो जाए तो क्या हाल है, माँ बाप कोई नहीं, 14-15 साल के पढ़ाई लिखाई पूरी हुई नहीं, कहीं नौकरी कर नहीं सकते हैं, कोई डिग्री हाथ में है नहीं, और माँ बाप नहीं है, कोई नहीं, उठा के कोई लेके गया। तीसरा, दानियल के दोस्त कोई भी नहीं। बाद में जो और तीन लोग जो इज़राइल से उठा के लेके गए थे, उन तीनों को दानियल ने बैबिलोन में आके उनसे मुलाकात की। कोई ऐसा नहीं था कि भाई लंगोटिया यार थे ये शद्रक मेशक अबेदनगो, कोई लंगोटिया यार नहीं थे, वो लोग कोई साथ में गोली नहीं खेलते थे, वो लोग साथ में नहीं बैठते थे, तो वो बिल्कुल अलग कहीं हो सकते, लेकिन उनको तीनों को भी उठा के जब बैबिलोन में ले गया, तो बैबिलोन में पहुंचने के बाद दानियल ने शद्रक मेशक अबेदनगो को देखा, लेकिन दानियल के कोई दोस्त दानियल के साथ नहीं है। तो उम्र में 14-15 साल, परिवार का कोई भी नहीं, दोस्तों में कोई नहीं, फिर दानियल के धर्मगुरु और संगति का क्या हुआ भाई? अभी तक जो 14-15 साल तक तो वो वहां मंदिर में जाता था, मतलब जो यहूदियों के जब मंदिर होता है सिनेगोग, उनके मंदिर में वो जाया करता था, उनके धर्मगुरु, उनके पास्टर, उनके रबी हुआ करते थे। अब जब बंधुआई में लेके गया तो ना कोई पास्टर है, ना कोई यूथ लीडर है, ना कोई फेलोशिप है, ना कोई चर्च है, ना कोई म्यूजिक है, कुछ भी नहीं है। तो सोचिए ये बंदे की उम्र, ये बंदे का परिवार नहीं है, ये बंदे के दोस्त नहीं है, ये बंदे का कोई पास्टर नहीं है, कोई चर्च नहीं है, कुछ नहीं है, और इसको उठा के कहां लेके गए? इज़राइल से बेबीलोन लेके गए, इज़राइल से बेबीलोन लेके गए। तो ये उसकी पहली पहचान। अब जरा मैं आपको
बेबीलोन में जब पहुंचे तो दानियल तीन दोस्तों से मिले, उनसे दोस्ती बन गई। उन दोस्तों के बारे में जरा सुन लिया, दानियल की पुस्तक उसका पहला अध्याय 3 से लेकर 7 तक की आयत है जो मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। तब राजा ने अपने खोजों के प्रधान अश्पनज को आज्ञा दी कि इजरायली राजपुत्रों और प्रतिष्ठित पुरुषों में से ऐसे कई जवानों को ला जो निर्दोष, सुंदर और सब प्रकार की बुद्धि में प्रवीण और ज्ञान में निपुण और विद्वान और राज मंदिर में हाजिर रहने योग्य हो, और उन्हें कसदियों के शास्त्र और भाषा की शिक्षा दे। और राजा ने आज्ञा दी, राजा नबूकदनेस्सर के बारे में कह रहे, ठीक है, और राजा ने आज्ञा दी कि उनके भोजन और पीने में दाख मधु में से उन्हें प्रतिदिन खाने पीने को दिया जाए। इस प्रकार 3 वर्ष तक उनका पालन पोषण होता रहे, यानी कि 3 वर्ष की ट्रेनिंग, ठीक है, और इसके बाद वे राजा के सामने हाजिर किए जाए। उनमें यहूदा के संतान से चुने हुए दानियल, हननाया, मिशाएल और अजरिया। तो ये हननाया, मिशाएल और अजरिया, ये उनके ओरिजिनल नाम है, उनको हम शद्रक, मेशक और अबेदनगो के नाम से जानते हैं। मैं वो बाद में बताऊंगा क्या हुआ, ठीक है। ये नाम के यहूदियों को वहां लेके आए, और खोजों के प्रधान ने उनके दूसरे नाम रखे, अर्थात दानियल का नाम बदल दिया, क्या रख दिया, बेल्तशस्सर रख दिया, और हननाया का नाम शद्रक रख दिया, मिशाएल का नाम मेशक रख दिया, अजरिया का नाम अबेदनगो रखा। तो दोस्तों अब आपने देख लिया, ये है इसकी पृष्ठभूमि। तो इस पृष्ठभूमि में हमें क्या समझ में आता है, बाबेल में दानियल और उसके 3 दोस्तों की पहचान पर एक बड़ा आक्रमण हो रहा। सुनिए मैं आपको क्या कहने जा रहा हूं, सारे जवानों को समझ में आ रहा होगा कि मैं कहने क्या जा रहा हूं। कुछ जवानों को पकड़कर इसराइल से उठाकर लेके गए। मान लो जैसे आप लोग चर्च में रहते हो, चर्च से आप जब कॉलेज जाते हो, चर्च से जब आप मार्केट चले जाते हो, चर्च से आप सारणी में रहते हो, सारणी से आप मुंबई चले गए, ठीक है, आप सारणी बैतूल में रहते हो, बैतूल से आप लखनऊ चले गए, बैतूल से आप दुबई चले गए, या आप यूके चले गए, कैनेडा चले गए, अमेरिका चले गए, कहीं पर भी चले गए, मान लीजिए आप जब वहां जाते हो, तो कैसे आपकी आक्रमण, आपके पहचान पर आक्रमण होता है। या जवानों जैसे आप चर्च से निकलकर, स्कूल से निकलकर आप कॉलेज जाते हो, तो कॉलेज में कैसे आक्रमण होता है आपकी पहचान पर। या दुनिया में जब बाहर निकलते हो, तो दुनिया में यह आक्रमण कैसे होता है, इसको हम गौर फरमाने जा रहे हैं, ठीक है। अब देख, सबसे पहले देखिए आक्रमण कहां हुआ। ये दानियल और शद्रक, मेशक, अबेदनगो, चारों को आप देखिए, पहले ये स्वतंत्र थे, ये स्वतंत्र थे, ये अपने परिवार में, घर में स्वतंत्र थे। अब ये क्या हो गए, ये गुलाम बन गए। तो सबसे पहली पहचान तो ये है कि यार स्वतंत्र लोग बाहर रहते गुलाम जैसे हो गए, ये इनकी सबसे पहचान। सबसे बड़ी पहचान पर आक्रमण ये था कि भाई अभी तक तो माँ बाप के शरण में थे, पैस्टर के शरण में थे। तो दोस्तों जवानों मैं यहां पर क्या कहना चाह रहा हूं, जब आप माँ बाप के साथ रहते हो तो माँ बाप की सुरक्षा का कवच आपके ऊपर है, माँ बाप आपको संभालते हैं, बेटा वो नहीं देखना, बेटा ये नहीं करना, बेटा तू क्या हमेशा फोन पे रहता है, तू क्या घूमता रहता है, 8 बजे तू घर क्यों नहीं आया, 8 बज गए, 8:30 बजे घर क्यों नहीं आया, 9 बजे तू घर क्यों नहीं आया। तो ये जवानों के साथ एक सवाल हमेशा था, ठीक है, आप चर्च जाते तो पास्टर पूछते, बेटा पिछले संडे दिखा नहीं, कहां गया तू, बेटी तू पिछले संडे नहीं थी, कहां गई, अच्छा मैंने वेनेसडे में मैंने देखा, मैं जूम में देखा, तो तू तो थी नहीं वहां, कहां गई थी जूम में। तो ये पास्टर आपसे पूछता है, देखिए ये जब पूछते हैं ना, तो ध्यान दीजिए जवानों, ये आपको पोस नहीं रहे हैं, ये आपको गलत नहीं कह रहे, ये बता रहे हैं कि इनका प्यार कितना आपके। देखिए जब वो ये पूछते हैं कि बेटा तू घर क्यों नहीं आया, तो ध्यान दीजिए माँ बाप आपके ऊपर बड़ा कंट्रोल कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, माँ बाप आपको सुरक्षित रखना चाहते, उनको पता है 8:30-9 के बाद जब आप बाहर रहते हो तो आपके लिए आप सुरक्षित नहीं हो, उस समय हो सकता है बहुत गलत काम होते हो, ठीक है। जब वो आपसे ये पूछते हैं कि बेटा तू कल कौन से दोस्त के पास गया था, तो आप बोलते हैं मम्मी छोड़ो ना यार, मैं अपने दोस्त के साथ गया था, ये सब मैं बताऊं क्या आपको। दोस्तों मेरे अजीज जवान हो, जब आपके माँ बाप आपसे ये पूछते हैं, तो ये वो आपको बंदिश बनाने के लिए नहीं पूछते हैं, वो आपकी सुरक्षा के, उनको पता है, क्योंकि जिस उम्र से आप गुजर रहे हैं, इस उम्र से वो गुजर गए, उनको पता है कि उस उम्र में क्या होता है, इसलिए वो आपसे कहते हैं। जब आपके पासवान आपसे पूछते हैं कि बेटा मैंने वेनेसडे आपका जूम में देखा था, सैटरडे तो आपको देखा नहीं मैंने, क्या हो गया, जब वो आपसे ये पूछते हैं, तो वो पासवान को पता है कि शुरुआत में एकदम से कोई चर्च नहीं छोड़ देता, उसकी शुरुआत ऐसी होती है कि एक मीटिंग छोड़ता है, फिर वो 2 मीटिंग छोड़ते हैं, फिर वो संडे को छोड़ने लगते हैं, और धीरे धीरे वो मीटिंग से कंप्लीट दूर हो जाते हैं। तो जब वो आपको एक दिन नहीं देखते या 2 दिन नहीं देखते, तो
वो एक सुरक्षा है आपके ऊपर परमेश्वर रखा है, एक पास्टर जो आपसे बेटा मैंने आपको देखा नहीं, मेक श्योर कल अगले हफ्ते मैं देखा मैं देखूंगा तो उसमें रहना। तो ये जब कहते हैं ना तो जवान आप समझ लिए, आपको ये समझना है कि ये आपको ऊपर कंट्रोल करने की बात नहीं है, ये आपको सुरक्षित रखे। खुदा ने सुरक्षा के लिए आपको एक पास्टर दिया है जो आत्मिक सुरक्षा देता है, आपको माँ बाप दिए हैं जो शारीरिक मानसिक सुरक्षा को करते हैं। तो ध्यान दीजिए, जैसे ही आप घर से बाहर निकलते हैं, आप मान लो 18 साल के हो गए, 19 साल के हो गए, 20 साल के हो गए, आप कॉलेज में जा रहे हो, कई बार आपको घर से बाहर निकलकर आपको रहना होता है, तब आपके पैस्टर आपके साथ नहीं है, तब आपके माँ बाप आपके साथ नहीं है, तब आप एकदम खुली जगह में। सोचिए आप माँ बाप को सिर्फ फोन करके आपसे पूछ सकते हैं, बेटा तू ठीक है, रात को खाना खाया था, दोपहर में खाना खाया था, ओके है। पैस्टर कभी कभी आपको फोन, बेटा कैसा चल रहा है, वहां कोई चर्च में जा रहा है कि जा रहा है, देखना आजकल अपना जूम है, तू वहां चर्च में नहीं गया तो मैं अपने जूम में आ जाना। तो ये सब बातें जो पास्टर कहता है ना तो वो आपको सुरक्षित रखता है। ध्यान दीजिए कि घर में आपको लगता है कि आप गुलाम हो माँ बाप के या पास्टर के गुलाम आपको लगता है, लेकिन वास्तव में आप वहां पर स्वतंत्र हो और आप सुरक्षित हो। लेकिन जैसे आप बाहर निकलते आपको ऐसा लगता है अब तो मैं स्वतंत्र हूं, अब तो मैं बिल्कुल कोई मुझे नहीं देख रहा, माँ बाप मेरे पीछे नहीं है, पास्टर मेरे पीछे नहीं है, मैं बिल्कुल स्वतंत्र हूं। लेकिन ध्यान दीजिए वास्तव में तब आप गुलाम बनने जा रहे हो। किसके गुलाम बनने जा रहे हो? आप दुनिया के गुलाम बनने जा रहे हो, दुनिया आपके ऊपर आक्रमण करने जा रहा है, अब आपके ऊपर इतनी सारी बातें आपके ऊपर आक्रमण हो जब आप अकेले रहे, ठीक है। तो ये कैसे होगा मैं आपको बताता हूं। जैसे दूसरा दानियल उसके दोस्तों की पहचान पर दूसरा आक्रमण क्या हुआ, वो राजा के इनको उठा के बैबिलोन में लेके गया। बैबिलोन में नबूकदनेस्सर राजा ने कहा अब से तुम मेरी सेवा करोगे, मेरे राज्य की सेवा करोगे। तो देखिए पहचान क्या थी, हम इजरायली है, ठीक है, इजरायली उनकी पहचान। अब क्या हो गया पहचान में, अब इजरायली नहीं है, अब वो मिस्र के राजा ना, या बैबिलोन के राजा, मिस्र नहीं बैबिलोन के राजा के लिए वो गुलाम बन गए, बैबिलोन के राजा के लिए काम करेंगे। अभी तक वो इजरायली थे, अब वो बैबिलोनी कहलाएंगे। तो उनकी पहचान पर दूसरा आक्रमण, ठीक है। तीसरा देखिए, वो इब्रानी भाषा बोलते थे, राजा ने कहा इनको कसदियों की भाषा सिखाओ, कसदियों की भाषा मतलब बाबेल का भाषा सिखाओ। तो देखिए उनका साहित्य भी सिखाओ, अभी हमने पढ़ा, हमने पढ़ा था इनको कसदियों की भाषा और साहित्य सिखाओ, यानी कि अब ये इजरायली साहित्य नहीं सीखेंगे, ये इजरायलियों की भाषा नहीं बोलेंगे, इनकी भाषा को बदल दीजिए। देखिए अजीजों आपकी पहचान बदल जाती है ना। मेरे माँ बाप केरल के थे, मेरे माँ बाप केरल के थे और वो केरल से आए थे, उनके विवाह के बाद वो तुरंत एमपी आ गए, सारणी में थे वो, और सन 1971 से वो सारणी में, मेरी पैदाइश सारणी में। और मेरे भाषा जब आप सुनते हैं तो लोग मुझसे कहते हैं, या फिर आप लोग भी कहते हो ना, आप लोग भी अक्सर कहते हैं अरे आप मल्लू नहीं लगते हैं, आप बिल्कुल मल्लू नहीं लगते हैं, आपकी भाषा सुनकर हमें नहीं लगता कि आप केरल के हो। तो निश्चित रूप से मैं केरल का नहीं हूँ, मेरे मातृभाषा हिंदी है और मेरे जन्म पत्री में जो मेरा जो जन्म प्रमाण पत्र है उसमें मेरी मातृभाषा हिंदी लिखी हुई है, मेरी मातृभाषा मलयालम नहीं है क्योंकि मेरी पैदाइश मध्य प्रदेश में हुई है, मैं हिंदी भाषा। तो अब देखिए मेरी कैसी पहचान बदल गई, हूं मैं मल्लू लेकिन मैं जहां पर आया जहां रहा वहां मेरी पहचान बदल गया, मैं एक मलयाली हूं लेकिन मैं यहां पर आके मेरी पहचान बदल गई। ठीक इसी प्रकार इन दानियल शद्रक मेशक अबेदनगो बोलते इब्रानी थे लेकिन उनको इब्रानी भाषा से दूर करकर उनको कसदियों की भाषा। तो देखिए एक एक करकर उनके ऊपर उनके पहचान पर आक्रमण हो रहा है। अब ध्यान दीजिए मैं जवानों में जब आपसे ये कहूंगा तो मैं आपकी भाषा में बात करता हूँ। अभी तक आप जब बात करते थे तो घर की भाषा बोलते थे, घर में हम गाली गलौज करते नहीं है, घर की भाषा बहुत अच्छी शालीनता है इसमें, अच्छे आप से बात करते हैं, सब अच्छे से बात करते हैं, ठीक है। हम चर्च में जाते हैं तो और पवित्र भाषा हो जाती है हमारी, जैसे हम घर में बोलते क्यों क्या हाल चाल है यार, कैसे चल रहा सब कुछ, बढ़िया चल रहा, अच्छा चल रहा, हम इस तरह से बात करते हैं। चर्च में आते तो कैसे हैं आप अच्छे होंगे, आप बहुत ही बेहतर होंगे, है ना। तो हमारी भाषा थोड़ी बदल जाती है। मैं अक्सर कहता हूँ ये भाषा मत बदला करो, आप जैसे हो वैसे हो, ठीक है, और जैसे आप एक ओरिजिनल भाषा रखो। कई बार हम बात करते करते भी हमें ऐसा लगता है कि हम प्रचार करते, तो अजीजों ये जो भाषा है हम सादा भाषा ही रखें। तो यहाँ पर हमने हिंदी धर्म में बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे हो, सब ठीक है, अच्छा मेरे लिए ये काम कर देना। आप यही चीज को नहीं अपनी चर्च में भी लिया, चर्च में भी वो चीज लिया, चर्च की भाषा अलग घर की भाषा अलग नहीं, हमारी एक ही पहचान है, हमारी एक ही पहचान। आप ध्यान दीजिए ये भाषा तो ठीक है चर्च और घर में तो ओके,
लेकिन जैसे ही आप चर्च और घर से बाहर निकले, आप कॉलेज में पहुंच गए, आपके स्कूल में पहुंच गए, अब आपकी भाषा कैसी है? उसमें क्या क्या और जुड़ जाता है, वो भाषा के शुरू में और आखिरी में क्या क्या और जुड़ जाता है। हम प्रार्थना में आखिरी में आमीन लगा देते हैं, राइट। तो उस प्रकार हम जब दुनिया में आते हैं तो हमारे भाषा में क्या क्या जुड़ जाता है, तो उस समय सब का मा सा सब जुड़ जाता है, राइट। हर तरीके से जो कुछ हमको जोड़ना है सब कुछ जोड़ देते हैं। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, जैसे आपकी भाषा बदली, ध्यान दीजिए आपकी पहचान बदल रही है, तो हमारी भाषा में भी हमारी पहचान है, ठीक है। अब अगली पहचान क्या है, इनकी भोजन व्यवस्था में बदलाव हो गया। देखिए इसराइलियों में एक खास बात है, मैं नहीं जानता कि आप में से कितने लोग इस बात को जानते हैं, इसराइली लोग जो खाना खाते हैं उसको कोशर बोलते हैं, कोशर, कोशर, कोशर का मतलब वो अपवित्र वस्तुएं नहीं खाते, ठीक है। जो भी अपवित्र चीजें हैं पुराने नियम के हिसाब से खाते हो उनको कोशर फूड कहते हैं, और कोशर के रूप में वो भोजन को जानते हैं। तो इसराइलियों का खाना कोशर। तो नबूकदनेस्सर तो बेबीलोनियन था भाई, जैसे बोलते ना, हम बोलते हैं यार चीनी में सब खा लेते हो, तो कीड़े मकोड़े सब चीज को उठा के सारे आजकल साफ है बिच्छू सबको बना के बना लेते हैं, और उसके अच्छे बना लेते हैं, खूब खा लेते हैं। तो हम बोलते हैं यार वो खाना तो मैं नहीं खा सकता, ठीक है। आप नागालैंड में, एक बार नागालैंड में गया तो भैया मैं वहां पर गया मिनिस्ट्री के लिए गया था, तो उन्होंने तो सांप बना के रख दिया मेरे सामने, सांप को काट काट के उसके बना के खाना बना के मेरे सामने रख दिया, तो मैं नहीं खाऊं, मैं उन्हें यार ये तो मैं खा ही नहीं सकता। तो बड़े मुश्किल से मैंने उनको बोला भाई साहब आपके भोजन और सबके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मैं सांप खा लूंगा लेकिन सांप को तो मैं नहीं खा सकता करके। मैंने अजीजों वो सांप की तरी जरूर खाया लेकिन सांप नहीं खाया। तो ये एक तरीके, तो मैं कह रहा हूं कि मतलब ये है कि अलग अलग जगह की अलग अलग खाना होता। तो ये नबूकदनेस्सर राजा ने अपने यहाँ का भोजन दिया और बोला कि इनकी भोजन भी बदल दो। तो देखिए स्वतंत्र से गुलाम हो गए, दूसरा नबूकदनेस्सर राजा के लिए काम करने लग गए, तीसरा इब्रानी भाषा बदलकर कसदियों की भाषा हो गया, चौथा भोजन व्यवस्था में भी बदलाव किया, सबसे बड़ी बदलाव थी उनकी पहचान ही बदल दी, नाम बदल दिए गए। अब आप सोचिए अजीजों कि आपका नाम अभिषेक है और कोई आपको एक ऐसी जगह पर लेके जा रहा है और कहता है कि आज से तेरा नाम मोहम्मद, तो आप सोच लो कि आपकी स्थिति क्या है। मेरा नाम थॉमस है, मुझे कोई लेके जा रहा है एक जगह और मुझे जबरदस्ती करके मुझसे कहता है कि कल से तेरा नाम राम है। नहीं, मैं ये नाम कोई खराब नहीं है, कोई भी नाम खराब नहीं है, मैं कह रहा हूं कि नाम के साथ साथ आपकी पहचान बदलने वाली चीज, नाम बदलने के साथ साथ आपकी पहचान बदल जाती है। तो अजीजों ये सोचो कितनी बड़ी बात है, आपको लगता है आपके बच्चे को उठा के लेके गए किसी ने, ठीक है, और वो उठा के एक ऐसी जगह पे ले गया जहां पर वो आपको आतंकवादी बनाना चाहते हैं, और वहां पर उन्होंने अपना दूसरा नामकरण कर दिया आपके बच्चे का। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, पूरी पहचान बदल रहा है। यही अजीजों यही नामकरण का चीज था जो दानियल, हमको लगता है दानियल शद्रक मेशक अभिनेको अभिनेको जो नाम बदल दिया, ऐसे ही बदल दिया यार मेरे, मुझे तो घर में सब लोग क्या होते हैं, घर में सब लोग मुझे थॉमस बुलाते हैं, घर में तो बिट्टू बुलाते हैं, तो वो घर की बात नहीं थी, वो बिट्टू बिट्टू, तो ये घर की बात नहीं थी, ये उनकी पहचान बदलने की बात थी। दानियल का नाम हमने रख दिया, दानियल का अर्थ था परमेश्वर मेरा न्यायी है, उसका नाम बदल दिया बेलतशस्सर, उसका मतलब क्या है, मैं बेल का जो बाल है, बेल बाल एक ही बात है, बाल का नौकर। अब सोचिए नाम बदलने से क्या बदल गया, पहचान बदल गया, यानी कि दूसरे राज में दूसरे देवी देवता का नौकर बना दिया, किसको, परमेश्वर जो मेरा न्यायी है उस नाम को। तो ये नामकरण जो बदला ना, वो एक कोई सिंपल चीज नहीं है, वो बहुत बड़ी चीज है, मेरी बात समझ में आ रहा आपको। तो अजीजों दोस्तों जब आप बाहर जाते हैं तो इस प्रकार से आपके पहचान पर आक्रमण होता है। दूसरा ये बंदा हननयाह, इस हननयाह का अर्थ है प्रभु दयालु है, वो इजरायली था, उसका नाम बदल दिया शद्रक, शद्रक मतलब सूर्य देव द्वारा प्रेरित, ठीक है, तो नाम में बहुत फर्क है। दूसरा मिशायल, ये परमेश्वर कौन है, मतलब परमेश्वर को जागृत करने वाला नाम है मिशायल, इजरायली नाम, उसका नाम बदल दिया मेशक, क्या चंद्रदेव द्वारा प्रेरित। फिर अगला असरिया, यहोवा मेरी मदद करेगा, ये उसका नाम का अर्थ था, उसको बदल दिया अबेद नबो, मतलब नबो का सेवक। तो मेरी बात समझ में आया कि ये जो नामकरण से जो बदलाव, पूरी पहचान में फर्क आया, पूरी पहचान में फर्क आया। तो ये देखिए अगला एक पद पढ़िए आप, दानियल 1:8-9, परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वह राजा का भोजन खाकर
उसके पीने का दाक मधु पीकर अपवित्र ना हो, इसलिए उसने खोजों के प्रधान से विनती की कि उसे अपवित्र ना होना पड़े। परमेश्वर ने खोजों के प्रधान के मन में दानियल के प्रति कृपा और दया भर दी। अब ध्यान दीजिए, ये पहचान पर जब आक्रमण हुआ, एक के बाद एक पहचान पर, तो मैंने इतनी बातें कहा जवानों, आपको समझ में आ रहा है मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं? यही पहचान आपकी भी बदलती है। जैसे आप घर से बाहर निकलते हो तो आपके ड्रेस चेंज जो आप करते हो, जो ड्रेस पहनते हो उससे आप कुछ और बताना चाहते हो। अभी तक माँ बाप थे घर पे तो माँ बाप बोलते ढंग के कपड़े पहन ले, ढंग के कपड़े पहन, है ना। बच्चे लड़कियों को बोलते हैं ढंग से ओढ़नी ओढ़नी जरा ओढ़ के जा, नहीं बोलते हैं? बिल्कुल बोलते हैं। तेरा गला इतना लंबा क्यों है, इतना बड़ा कैसे गला कैसे है, हम बोलते हैं बच्चों को, बराबर बोलते हैं। हाँ बच्चों को पसंद नहीं आता है ना कि हम बोलते हैं, अच्छा सर पर तूने ओढ़नी नहीं डाला, ओढ़नी डाल। ये सब घर पे बोलते हैं। जैसे ही बाहर निकलते हैं तो गले का दायरा बड़ा हो जाता है, थोड़ा ओढ़नी नहीं मिलती है फिर अपने को। फिर जीन्स, जो अच्छे खासे जीन्स पहनते थे फिर फटे जीन्स में आ जाते हैं, है? अच्छे खासे बाहों वाला पहनते थे अब बिन बाहों का पहनने लगते हैं, है ना। तो पहले तो सिर्फ पाउडर लगा के आते थे, फिर आपको पता नहीं और क्या क्या हम लगाना शुरू कर देते हैं। सो सारे प्रकार की चीज। तो ये जो बदलाहट आती है ना, जैसे ही माँ बाप से हटकर चर्च से हटकर जब जाते हैं तो ये बदलाहट जो आती है, ठीक है। और लड़कों में भी ये चीज है, बोलते थे बटन क्यों ऊपर तक बटन लगा, बराबर बटन लगा, ऊपर तक बटन लगा, है ना। बोलते हैं कि नहीं बोलते, हम तो हो सके तो ऊपर की बटन लगा के खड़े हो जाए, तो यहां तक तो बटन लगा। अब जब ये बेटा चाचा बटन खोल के जब चलता है तो ये अपनी पहचान बता रहा है कि देखो मैं भी तुम्हारे साथ हूं। तो जवानों, जब ये आप लोग ये कपड़े वगैरह बदलते हैं, जो ये चाल चलन बदलते हैं, डायलॉग जब बदलते हैं, तो ये सब आपकी पहचान के ऊपर आक्रमण है। एक मसीह होने के नाते ध्यान दीजिए, आपके ऊपर ये आक्रमण होता रहेगा। आपके कॉलेज के लड़के जिस प्रकार से तैयार होके आते हैं आपको भी तैयार होना पड़ेगा। कॉलेज के लड़के जिस प्रकार से बात करते हैं आपको बात करना पड़ेगा। वो जैसे मार्केट में जाते हैं आपको जाना पड़ेगा। ये आपकी पहचान के ऊपर आक्रमण है और हम सब इससे डील करते हैं। लेकिन दानियल शद्रक मेशक अबेद्रगो ने इस पहचान को के ऊपर जो आक्रमण हुआ, इससे कैसे डील किया और उसे क्या मिला, ये अगला हमारा सेशन है, ठीक है। इनसे कैसे डील किया ये हम जब सीखेंगे। तो हमने ये वचन को पढ़ा था और इस वचन के जरिए हम जरा सोचते हैं। अब बाबेल ने दानियल और उसके तीन दोस्तों की प्रतिक्रिया जरा देखा कि भाई पहचान के ऊपर आक्रमण तो हुआ, लेकिन एक विश्वासी होने के नाते इनकी प्रतिक्रिया क्या थी। और यही प्रतिक्रिया मैं उम्मीद करता हूं हमारे जवानों से, ठीक है। एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला अभी हमने जो पढ़ा वो था, क्या पढ़ा हमने थोड़ी देर पहले, यहां पढ़ा, परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया, मन में ठान लिया। तो पहली बात तो कुछ चीजें मन में ठानना है, वो है प्रतिबद्धता, परमेश्वर के प्रति हमारी प्रतिबद्धता, हमारे परिवार के प्रति हमारी प्रतिबद्धता, या हमारे चर्च के प्रति हमारी प्रतिबद्धता। क्या कहना चाह रहा हूं दोस्तों, जितने भी जवान मुझे सुन रहे हैं, जैसे ही आप जवानी के दिनों में आते हैं, आपके पास अपनी गाड़ी होती है, अपनी साइकिल होती है, अपनी बाइक होती है, अपनी गाड़ियां होती है, आपका अपना एक लाइफ है, माँ बाप ज्यादा इंटरफियर नहीं कर सकते, और आपको ऐसा लगता है कि माँ बाप को कुछ आता नहीं है, मैं ही समझाता हूँ, ऐसा लगता है। मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, ये माँ बाप भी एक बात का ध्यान रखें कि हमेशा ध्यान रखें, जैसे ये टीनेजर बन जाते हैं, मतलब ये 13 के ऊपर जब निकलते हैं या 14-15 या 20 की जो उम्र होती है, इस उम्र में इनको लगता है कि दुनिया में इनसे ज्यादा बुद्धिमान हो कोई नहीं। लेकिन ये इनकी गलती नहीं है, या ये अपनी अपन भी यही थे। जब हम भी 15-16-17 में गए थे तो हमें भी यही लगता था कि यार माँ बाप को क्या पता, ये पुराने जमाने में पढ़े वाले इनको तो पता थोड़ी, अभी मैं आज के जमाने, ये हमारे को भी ये लगता है। तो ये जवानों जब आप ये सोचते हैं तो हमें इस बात पे कोई अचरज नहीं होता है, क्योंकि हम भी यही सोचते थे और हमको ऐसा लगता था यार माँ बाप को कुछ नहीं समझता है। और माँ बाप को हम समझ नहीं कि कुछ, हमारे लिए दोस्त सबसे बड़े होते हैं। तो वो जो एक ऐसा टाइम है तुम्हारा, जो जवानी का टाइम ऐसा होता है जिसमें दोस्त बड़े होते हैं और माँ बाप थोड़े दूर के होते हैं, तो दोस्त बड़े होते हैं। तो ये हमारे साथ भी यही था और तुम्हारे साथ भी ये हो रहा है और तुम्हारे बच्चों के साथ भी यही होगा, तो इसकी चिंता मत करो, ठीक है। अब दूसरी चीज मैं आपको एक और बात बताता हूँ कि ये जवानी जो ये 16-17 का जो उम्र होता है ना, ये उम्र में आपको ऐसा लगता है कि यार माँ बाप सबसे बड़े दुश्मन है। वो 17-18 का जो एज होता है उस एज में ऐसा लगता है माँ बाप सबसे बड़े दुश्मन है, मेरे भला सिर्फ मेरे दोस्त लोग समझते हैं,
मेरी भलाई केवल मेरे दोस्त हो, तो दोस्त बहुत जिगरी होते हैं हमारे, तो हम माँ बाप को स्पेशली बाप लोगों को, माँ से तो फिर भी बच्चों को थोड़ा लगाव होता है, माँ के करीब करीब घूमते रहते हैं, उनकी आंचल पकड़ के घूमेंगे वो, लेकिन बाप से तो एक दो हाथ दूर ही रहते हैं बाप से, क्योंकि बाप भाई दिखाता है, बाप अपनी रोब दिखाता है, तो बाप से दो हाथ दूर ही रहते हैं, और उनको कुछ कह रहा होता तो वो माँ की आंचल पकड़ मम्मी यू नो डैडी से बात करो ना, डैडी से बताओ ना, तो ये पापा से आप बात कर लो ना, मैं नहीं बात कर रहा, आप पापा से बात हो, तो ये तो एक नॉर्मल चीज है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, हर एक जवानों को मैं बताता हूँ ये बात, ध्यान दीजिए, हम सब भी वही थे, हमने भी अपने माँ बाप को गलत समझा था एक समय पर, था आपको लगता था ये माँ बाप को कुछ नहीं आता है, लेकिन वो जो समय आता है ना, क्योंकि जब हमको एक तुम जब पहुंच जाते 40 की उम्र में जब पहुंचते हो, जहां तुम्हारा बच्चा एक 16 साल का बच्चा हो जाता है, जब तुम एक 40-45 में आते हो, जब तुम्हारा बच्चा 16-17 साल का हो जाता है, और वो 16-17 साल वाला तुम्हें जब नहीं समझता है, तब तुमको अपनी माँ बाप को समझ में आने लगता है। मेरी बात समझ में आया नहीं आया, एक बार और बता दो, ये जो जितने जवान है जो आज माँ बाप को नहीं समझ रहे, 40 की उम्र में आपका एक ऐसा बच्चा होगा जो आपको नहीं समझेगा, तब आप अपने माँ बाप को समझने लगेंगे, मतलब आपको माँ बाप को समझने के लिए कम से कम 20 साल हो लग जाएंगे। तो जब 40 की उम्र में होंगे तब आपको कहते हैं यार मेरा बाप बिल्कुल सही कहता था, ज्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं था, अनपढ़ जरूर था, लेकिन मेरा बाप सही कहता था। कितने लोग आज पासवान लोग इस बात को बता सकते हैं कि हम लोग से ज्यादा पढ़े लिखे तो नहीं है वो, लेकिन आज भी हमारे माँ बाप जो एक डिसीजन देते हैं वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, वो कहते बेटा वो मत कर, मतलब वो नहीं करना चाहिए। आपको पता है आज हम 40 की उम्र के बाद में हमको ये लगता है कि यार बिल्कुल सही था। तो जवानों कर लो मन की, आज से 20 साल बाद तुमको समझ में आएगा कि तुम्हारे माँ बाप ने बिल्कुल सही था, लेकिन तब तक बहुत सारी चीज बिगड़ चुकी होगी, तब तक बहुत सारी चीज सुधर चुकी होगी, ठीक है। तो लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, दानियल ने घर में कुछ सीखा था, दानियल ने घर में कुछ सीखा था, दानियल ने जो चर्च में सीखा था उस बात को उसने मन में ठान लिया। दोस्तों जैसे आप जवान बनते हो, प्रतिबद्धता, अपने आप किस परिवार से आ रहे हैं, आपके माँ बाप कौन है, आप किस चर्च में थे, आपके एक एक हरकत से आपके माँ बाप को कितनी बड़ी शर्मिंदगी हो सकती है, आपके हरकत से चर्च को क्या शर्मिंदगी हो सकती है, आपकी प्रतिबद्धता आपको चर्च के साथ परिवार के साथ होना चाहिए। जितने भी जवान उसे सुन रहे हैं सुनिए, आपके माँ बाप ने अपने पेट को काट कर, वो चाहते तो बहुत कुछ खा सकते थे, चाहते तो बहुत कुछ पहन सकते थे, चाहते तो बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन आपके खातिर उन्होंने अपने पेट को काट कर, अपना एक ही कपड़ा पहनकर या दो चार कपड़े पहनकर आपको एक्स्ट्रा कपड़े दिलाकर, खुद साइकिल में चलकर आपको दिलाकर, उन्होंने जो अपनी जिंदगी जो आज तक आपको दी है उसको कभी भूलना मत, कभी भूलना मत। और जितने बड़े लोग हैं ये भी बात ध्यान रखिए, आज आपके माँ बाप बूढ़े हो गए होंगे, ये बूढ़े लोगों को आपने एक कोठरी में बंद करके डाला है, तो एक बात ध्यान दीजिए, आपको गोदी में उठाकर लोरी सुनाकर, कई रातें वे नहीं सोए हैं, कई रातों की नींदों को उड़ाकर, जब आप बीमार थे आपके लिए वो रात रात जग कर, कपड़े बदल बदल कर है, गीले कपड़े माथे पर रख रख कर जो रात रात काटी है ना, ये हम कभी नहीं भूले। एक प्रतिबद्धता हमें होना चाहिए, ध्यान दीजिए, ये प्रतिबद्धता अगर हम नहीं है तो जो हम बोएंगे वही हम काटेंगे। ध्यान दीजिए, आप आज जो माँ बाप के साथ बो रहे हैं वही आप काटोगे बाद में। दोस्तों वो प्रतिबद्धता बहुत इंपॉर्टेंट, और दानियल ने कहा मेरे मन में ठान लिया, ना मैं इनकी सुनने वाला हूं, ना इन ये चाहे तो मेरा नाम बदल सकते हैं, लेकिन नाम के साथ मेरा दिमाग नहीं बदल सकते, ये मेरा नाम रख ले, भले नाम रख ले, मेरा बेल्तशस्सर नाम रख ले, ये बाल का देव क्या रख दे, नौकर रख दे, कुछ भी रख दे, लेकिन दिमाग और मन मेरे काबू में है, मैं नहीं बदलूंगा। दोस्तों मैं आपको आज ये कहना चाहता हूं, जितने भी जवान मुझे सुन रहे हैं, आपके बहुत सारे लोग हैं जो आपके कॉलेज में आपका नाम रखेंगे, देखो वो जा रही है, बहुत सारे अलग अलग नाम आपके रख सकते हैं, लेकिन आपको अपने मन में ठानना है, ये मेरा नाम रखे कुछ भी रखे, मैंने माँ बाप से जो सीखा है, मैंने अपने चर्च में जो सीखा है, मैं उस मेरा मन और मेरा हृदय वहीं अटका रहेगा, मैंने ठान लिया। कितने लोग मुझसे कहेंगे मैंने ठान लिया पास्टर, जवान लोग आप तो टाइप कर सकते हो ना, जवान लोग आप लोग कमेंट लिख सकते हो, कितने जवान लोग कमेंट में लिख के कहेंगे पास्टर मैंने ठान लिया, मैं मन में ठानता हूं कि प्रतिबद्धता
मेरे जिंदगी। आमीन कहेंगे आप? आमीन की प्रतिबद्धता मेरे अंदर रहेगी, मैं प्रतिबंधित रहूंगा मेरे परिवार के साथ, मैं प्रतिबंधित रहूंगी मेरे परिवार के साथ, मेरे माँ बाप के साथ, मेरे कारण, मेरे माँ बाप, मेरे पैस्टर, मेरे चर्च को कोई लांछन नहीं होगा। दोस्तों प्रतिबद्धता अपने आप में बहुत जरूरी है। बाइबल के अंदर प्रभु यीशु मसीह पिता परमेश्वर से प्रतिबद्धता, पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह और पिता परमेश्वर से प्रतिबंधित है। प्रतिबद्धता अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मतलब हमारा कॉन्फिडेंस है, वो प्रतिबद्ध रहना हमारा कॉन्फिडेंस है। तो ये प्रतिबद्धता बाइबल की नींव है। मां बाप के साथ हमारा जो लीनिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरी चीज, इन लोगों ने कैसे प्रतिक्रिया किया, दूसरा कोई खोजों के प्रधान से विनती की। देखा वहां पर क्या लिखा, राजा ने कहा इनका खाना पीना था बदल दो, भाई इनको दाक मधु पिलाओ, अभी तक इन्होंने दाक मधु नहीं पिया, इनको पिलाओ, जरा पिलाओ, जरा देखते अपन कैसे पीते, हम तो बैठे हैं भाई, कोई पिलाओ तो सही। जवानों ध्यान दीजिए, जैसे आप घर से बाहर निकलोगे पिलाने वाले, खिलाने वाले बहुत मिलेंगे शुरू में, बाद में आपसे खाएंगे पिएंगे। तो जो आज तक आपने घर में नहीं खाया, जो आज तक घर में नहीं पिया, जो चर्च में आपको कभी हमेशा सिखाया कि ये नहीं खाना ये नहीं पीना, जैसे आप बाहर निकलते हो अगर आप वो चीज की तरफ आपको आपका ध्यान लेके जा रहा है, तो आपको कहना पड़ेगा नहीं मैं। उसने बड़े बड़े विनम्रता से विनती किया खोजे से, खोजे मैं आपसे लड़ाई वड़ाई नहीं कर रहा हूं, बड़े विनम्र होके, विनम्र होके मैं कहता हूं कि आप मुझे छोड़ दीजिए, ये तो मैं नहीं कर सकता, विनम्र। दोस्तों प्रतिबद्धता और विनम्रता अगर साथ में है तो खुदा आपके साथ अपने आप रास्ता बनाएगा। आमीन, कोई कह सकता है आमीन? आमीन, अपने जरा हाथों को उठा के प्रभु को धन्यवाद करिए। ध्यान दीजिए, प्रतिबद्धता अगर आपके अंदर है और विनम्रता है तो रास्ते अपने आप खुलते आएंगे। खोजे के प्रधान से बोला भैया विनती कर रहा हूं यार, मैं लड़ाई वड़ाई नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल विनम्र निवेदन है मेरा कि आप मुझे छोड़ दीजिए, आपको क्या चाहिए, रिजल्ट चाहिए ना, रिजल्ट मिल जाएगा, लेकिन मैं आपसे विनती करता कि मुझे इस बात की आप बात ना करें। क्या हुआ उनके कारण, उसने इसे परमेश्वर की मदद से किया, यानी कि अपनी ताकत के बलबूते पे नहीं किया, मैं तो कर लूंगा, तुम क्या बिगाड़ लोगे, ये सब करने की जरूरत नहीं है। प्रतिबद्धता है मेरी, विनम्रता है मेरी, जैसे ये दोनों आते हैं तो कहते हैं कि मैं करूंगा और मैं खुदावन के सहारे से करूंगा, मैं अपनी लड़ाई अपने ताकत से नहीं करूंगा, मैं खुदावन के सहारे से अपनी लड़ाई को मैं लड़ूंगा। देखिए अजीजों, परमेश्वर की मदद से क्या, और तीसरा उन्होंने दृढ़ता से एक निर्णय लिया कि हम तो इसमें से हटने वाले, तुम हमें बेलशस्सर बुला, शद्रक मेशक अबेदनगो बुला, कुछ भी बुला, हम तो खुदा के बंदे, हम दृढ़ है भाई, इसमें से हम बन, तुम हमको नाम जो बुलाना बुलाओ, पंडित बुलाओ, पादरी बुलाओ, हमारा नाम रख दो, कुछ भी बुला दो, लेकिन खुदा के साथ जो हमारा समर्पण है इसको बदलेंगे। देखिए क्या क्या चीज है, प्रतिबद्धता है, विनम्रता है, निर्भरता है, मतलब खुदा पे निर्भर है, चौथी बात क्या है, खुदा के साथ हमारा समर्पण है। इतनी चीजें इनके अंदर थी, इन्होंने अपनी प्रतिक्रिया इस तरीके से किया। दोस्तों आप मुझे सुन रहे हैं, तो ये है खुदा जो हमसे चाहता है, ये दृढ़ता से किया। मैंने क्यों कहा, वहां पर लिखा है खोज, देखिए उसके दसवें आयत में लिखा है, और खोजों के प्रधान ने दानिय्येल से कहा मैं अपनी स्वामी राजा से डरता हूं क्योंकि तुम्हारा खाना पीना उसी ने ठहराया है, कहीं ऐसा ना हो कि वह तेरे मुंह तेरे संगी के जवानों से उतरा हुआ और उदास देखे, तुम मेरे सिर राजा के सामने जोखिम में डालो। तो दानिय्येल ने मुखिए से कहा, जिसको खोजों के प्रधान ने दानिय्येल हननाया और चननाया के अजरिया के ऊपर देखभाल करने के लिए नियुक्त किया था, उससे कहा, उससे क्या कहा, मैं बाधा उठा दू। तो ध्यान दीजिए, दृढ़ था कि उसने तो पहले खोजों से कहा, फिर खोजों के प्रधान से कहा, इन सबसे कहने का मतलब यह कि हम वो बिल्कुल दृढ़ है कि हमें यही करना है, हम समर्पित है इस चीज के लिए, चाहे तुम कोई भी एग्जाम, लेकिन गारंटी देते हैं कि हमारा चेहरा उदास नहीं होगा, गारंटी देते हैं कि हमारा खुदा जिंदा है क्योंकि हम खुदा पर निर्भर है, ठीक है। और अगला चीज, पांचवा चीज, उसने अपने विश्वास की परीक्षा लेने की इच्छा से ऐसे किया, उसने कहा एक काम करो तुम हमें परीक्षा ले लो, 10 दिन देख लो, तुम हमारी परीक्षा ले लो, हम जानते हैं हमारा खुदा हमारे साथ। जवानों मैं आज आपको यह चैलेंज कर रहा हूं, आपका कॉन्फिडेंस ये होना चाहिए,
जब भी आप दुनिया के लोगों से बात करो ना, हेलो चैलेंज, तुम चुनौती तो है, मैं चुनौती देता हूं, अगर आप सही हो, अगर आप सही हो, आप विनम्र हो, आप प्रतिबद्धित हो, समर्पित हो, निर्भर हो, तो ये खुदा है ना आपको कभी भी किसी के सामने शेम होने नहीं देना, किसी के सामने लज्जित होने नहीं देना। बोला परीक्षा ले लो 10 दिन तक, क्योंकि उसने कहा मैं तेरी विनती करता हूं कि अपने दासों को 10 दिन तक जांच, हमारे खाने पीने को साथ पात और पानी और पीने के लिए पानी ही दिया जाए हमको, भैया तुम ये सब मत दो हमको, बटन मछली कुछ नहीं चाहिए, हमको साथ पात दे दो, हमको पानी दे दो, और तुम 10 दिन देख लो तुम्हारा खाना खाकर जो चमक नहीं है ना उससे ज्यादा चमक हमें मिल जाए। तो मैं यहां क्या कहना चाहता हूं पता है, मैं ये कहना चाहता हूं सारे पासवानों से, सारे जवानों से, मैं चीज कहना चाहता हूं दोस्तों, हमारी तंदुरुस्ती के लिए लोग दुनिया की जो तंदुरुस्ती है वो जरूरी नहीं है, दुआ के साथ अगर हमने एक सूखी रोटी भी खा ली ना वो हमारी तंदुरुस्ती का कारण बन सकता है। आमीन, आमीन, प्रेज गॉड। हमारी तंदुरुस्ती के लिए एनर्जी ड्रिंक की जरूरत नहीं है, अगर हमने पानी भी पी लिया हमारे लिए दवाई से बढ़कर वो बन सकता है। दुआ कर एक सूखी रोटी दार, दुआ कर एक ग्लास पानी, वो अगर हम खा पी लेना तो अजीजों दुनिया की सारी चीजें मिलकर जो तंदुरुस्ती नहीं दे सकती, ये खुदा आपको उसके बगैर तंदुरुस्त कर सकता है। आमीन। ये थी पांचवी बात। तो अब इसका परिणाम क्या है ये देखकर मैं इसे समाप्त करना चाहूंगा, ठीक है। अब देखिए परिणाम क्या हुआ, इनका समर्पण, इनकी प्रतिबद्धता, इनकी निर्भरता, इनका आसरा, इनका समर्पण, इन सब के कारण परिणाम क्या था जरा ध्यान दीजिए। दानियल और उसके दोस्तों ने अद्भुत आशीषों को पाया। आप जानते हैं इस बीच में क्या क्या हुआ, दानियल को सिंह के मांद में डाल दिया था, जलने लगे लोग, सिंह के मांद में डाल दिया था, क्या हुआ, सिंह के मांद में खुदा ने उतार कर सिंह के मुंह को बंद कर दिया। हालेलुया। जवानों जब आप खुदा के लिए खड़े होते हो और लोगों ने यदि आपको शेर की मांद में मिल जाके डाल दिया तो शेरों को तकिया बनाकर आपको मस्त सुलाने के लिए मेरा खुदा सर्वशक्तिमान है। सारे पासवानों को कहता हूं, पासवानों आपकी मिनिस्ट्री से जलने वाले बहुत सारे लोग होंगे, आपकी मिनिस्ट्री से जलने वाले, आपकी मिनिस्ट्री जो आप बढ़ रहे हो उसको सोचकर जलने वाले लोग होंगे चारों तरफ, वो आपको हो सकता है दुष्टों के हाथ में दे दे, वो आपके विरुद्ध में बहुत सारे चाल चलेंगे, मिलकर चाल चलेंगे, कितनी भी चाल चलने दो, सारे जवान सिंहों को मुंह बंद कराने वाला एक खुदा है, वो खुदा आपके साथ है, मिलकर जरा आमीन करिएगा। जवानों से मैं कहता हूं, जवानों आपके विरुद्ध में षड्यंत्र रचने वाले बहुत सारे लोग होंगे, सारे लोगों को षड्यंत्र रचने दो, आपको आपको सिंहों के मांग में डाल दिया जाए वहां पर। दूसरी बात, शत्रक मेशक अबेदनगो, इन तीनों के नाम से आप जानते हो, इनको इनको आग में डाल दिया है। ऐसे कैसे परमेश्वर, हम देखते तुम्हारा परमेश्वर कैसे बदलता है, बोले तुम डाल दो हमारा परमेश्वर हमें छुड़ा लेगा, और यदि वो नहीं छुड़ाता, मान लो नहीं छुड़ाया तो हम जलने के लिए तैयार। ये एटीट्यूड बहुत बड़ा एटीट्यूड है, ये मानसिकता बहुत बड़ी मानसिकता है। और क्या हुआ, जलते आग में तीनों को डाल दिया, लेकिन चौथा उसके अंदर घूमते हुए नजर आया, चौथा डैनियल नहीं था, चौथा परमेश्वर था जो खुद उसके अंदर घूम रहा था। तो दोस्तों अद्भुत आशीषों को देखने का मौका कब मिला, जब वो प्रतिबद्धता उनके अंदर थी, जब वो समर्पण था, जब वो आत्मनिर्भरता, खुदा पर जो निर्भरता था, ये सब जब एक साथ आए ना तो खुदा को काम करना पड़ेगा। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, यदि आपने खुदा के लिए एक स्टेप उठाया तो 100 स्टेप खुदा आपकी उठ करेगा, तो बहुत सारे अद्भुत कामों को जीवन में देख पाओगे। दूसरी चीज, बहुत सारे बाबेल के लोग और खुदा और खुद राजा भी दानियल के परमेश्वर पर विश्वास किया। बहुत सारे लोगों ने दानियल के, जब ये दानियल की सीन से जब दानियल बाहर निकला, बोला साहब सुबह आया राजा चिल्लाया, दानियल मेरे को पता है खा गए सब ने, तेरे खा लिया सब, तो क्या तेरा परमेश्वर तो छुड़ा लिया। तो दानियल कहता गुड मॉर्निंग राजा, मैं बिल्कुल सुरक्षित हूँ, अच्छी नींद आई थी, तकिया नहीं था, तो शेर के ऊपर ही सो गया। शेर की सवारी किसने किया, तो बोला दानियल ने। कोई पूछे ना शेर की सवारी कौन करता है, तो दानियल ने किया। दोस्तों मैं आपको बताता हूं, ये शेरों को तकिया बनाकर वो सो गया, तो राजा बोलता क्या तू जीवित है, शेर ने तुझे खाया नहीं, अरे शेर कैसे खाएगा, शेर का बाप मेरा खुदा है, शेरों का जो खुदा है ना वो भी वो मेरा खुदा है। तो दोस्तों जितने जवान लोग हैं आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस रहे कि
आपके जरिए जो आपको पीड़ित कर रहे हैं वे लोग भी खुदा को जानेंगे। मारने काटने वाले लोग जो आ रहे हैं ना, चर्च को बिगाड़ने के जो लोग आ रहे हैं, उनको करने दो क्या था, लेकिन एक दिन आपकी प्रतिबद्धता देखकर, समर्पण देखकर, एक बार हो सकता है कि आपका खून बहे, लेकिन यह है कि उस एक एक कतरे से 100 दूसरे अभिषिक्त लोगों को खुदा खड़ा करेगा। आमीन। अगला, दानियल बेबीलोन में रहा और समृद्ध हुआ, गुलाम बनकर आया था लेकिन प्रधानमंत्री बन गया। आमीन। गुलाम बनकर आया था, क्या बन गया? प्रधानमंत्री। आपको पता है दानियल वो कंटिन्यूस 3 टाइम प्रेयर करता था, राइट? हम बोलते हैं अक्सर यार ये दानियल को कोई काम नहीं था इसलिए प्रेयर करता था। पता है आपको, दानियल के नीचे 100 और प्रधान मुख्यमंत्री थे, 100 मुख्यमंत्री लोग एक प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करते थे। आपको पता है वो रोज करते थे, हर रोज 100 मुख्यमंत्री लोग दानियल को रिपोर्ट करते थे और इसके बीच में भी दानियल की प्रार्थना चलती थी। तो अगर आपको ये कहते हैं प्रार्थना का टाइम नहीं मिल रहा तो दानियल से ज्यादा बिजी आप नहीं हो। दानियल हम सबसे ज्यादा बिजी थे। हम क्या बिजी है, सुबह उठ रहे, कब उठ रहे, 9-10 बजे उठ रहे आराम से, 4 बजे, फिर क्या किया, थोड़ा खेले, घूम लिया, खेती वाती घूम लिया, थोड़ा मार्केट गए थे, मार्केट जाके आ गए, शाम को मीटिंग है तो शाम को मीटिंग 5 मिनट पहले चलो ये भजन सिंह का देखो यार, 4 पॉइंट बता दो, 4 पॉइंट बता के हमने मीटिंग खत्म कर दी, वो हो गया, बहुत बिजी था वहां में। दानियल जो था दोस्तों, 100 मुख्यमंत्री उसके नीचे थे और रोज सुबह दोपहर शाम मुख्यमंत्री इसको रिपोर्ट करते थे, तो प्रधानमंत्री था, 100 मुख्यमंत्री उसके नीचे थे। ये आदमी 3 टाइम प्रार्थना करता था, इसको खुदा क्यों नहीं समृद्ध करेगा? आमीन। वो प्रधानमंत्री बन गया, ऐसे ही नहीं बन गया, प्रधानमंत्री बन गया और वहां वो समृद्ध हो गया। अब मैं सबसे खास चीज बताने जा रहा हूं, वो है सबसे खास चीज और सबसे पकड़ की चीज, क्या? दानियल जीवित रहा, उसने सुनिए, नबुकदनेस्सर राजा मर गया, उसके बाद दूसरे राजा आए वो मर गए, तीसरा राजा आया वो मर गया, चौथा राजा आया वो मर गया, 4 राजाओं के बीच में भी दानियल जीवित रहा। राजा आए मर के चले गए लेकिन 4 राजा बदल गए, दानियल नहीं बदला, दानियल वहीं का वहीं टिका रहा। प्रेज गॉड। तो ये है मैं जो आपको कह रहा हूं जवानों, मेरी बात समझ आ रहा है? राजा बदल गए, राजा अपने जो जान को जोखिम में डाल के भैया वो बेबीलोन में लेके गया, नबूकदनेस्सर भी हट गया उसके बाद। देखो मैं आपको बताता हूँ, नाम बताता हूं मैं, नबूकदनेस्सर वो मर गया, उसके बाद मेरोदक वो मर गया, उसके बाद बेलशस्सर आया, ये 3 और एक और चौथा एक और राजा था कुछ दिन के लिए आया था, ये 4 राजा आपके चले गए लेकिन दानियल प्रधानमंत्री का प्रधानमंत्री हो। कोई भी राजा की हिम्मत नहीं थी कि वो दानियल को उठा सके, क्योंकि दानियल अपने आप में ऐसा हो गया था कि दानियल के बगैर राज्य नहीं चल सकता। दोस्तों जब खुदा का हाथ आपके ऊपर रहता है ना तो आपको कोई नहीं हटा सकता। आमीन कहेंगे आप? आमीन। देखिए मैं एक बात बता दूं, पद ये जो टाइटल होते हैं ना, ये टाइटल बदलते रहेंगे, टाइटल बदलते रहेंगे, लेकिन आपके ऊपर जो अभिषेक है उस अभिषेक को कोई नहीं बदल सकता। आपके ऊपर एक बुलाहट है, उस बुलाहट को कोई नहीं बता सकता। जवानों मैं आपको कहना चाहता हूं, कोई भी आए कोई भी जाए प्रधानमंत्री बदल जाएंगे, ये सारे प्रधानमंत्री आज सरकारें सब बदल जाएगी, लेकिन खुदा का जन अगर प्रतिबद्ध है, समर्पित है, खुदा पर निर्भर है तो उसको कोई नहीं बदल सकता, वो टिका रहेगा। इसे कहता ना, मेरा धर्मी जन विश्वास से टिका रहेगा। आमीन। अब आपको मैं एक और चीज बताता हूं, यहां पर खत्म नहीं हुआ। 14 साल का लड़का यहां आया था गुलाम बनकर, राइट? दानियल ये बेबीलोन में रहा। आपको एक और बात बताता हूं, जैसे बेबीलोन ने इज़राइल के ऊपर हावी होकर इज़राइल को गुलाम बना दिया था, वैसे ही गुलाम बनाकर बेबीलोन तो साम्राज्य स्थापित कर दिया था, अब फारसी राजा आकर बेबीलोन को छीन दिया। सुझो सोचिए, बेबीलोन ने इज़राइल को छीना, बेबीलोन को फारसी राजा ने छीना। लेकिन जब फारसी राजा बन के आए ना, तब की बात क्या हुआ, फारसी राजा बन के आया और राजा बन के आने के बाद फारसी साम्राटों के अधीन पे भी दानियल ही मुख्यमंत्री और पद 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 को लेके गया। देखिए, इजरायली व्यक्ति गुलाम बनकर बेबीलोन में आया, अब फारसी आकर बेबीलोनियन को गुलाम बना दिया, उसके बावजूद भी दानियल को गुलाम नहीं बना पाए। दानियल तब भी प्रधानमंत्री था, अब भी प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री है, सब कुछ है। आपको पता है दानियल 90 साल की उम्र में, 14 साल में आया था, 90 साल की उम्र में दानियल जो था ये है फारसी राजा। एक तो डेरियस के समय दानियल था और साइरस द ग्रेट इसके समय भी दानियल था।
90 साल की उम्र में बेचारे ने रिटायरमेंट नहीं लिया, बोले यार अब तो मुझे सेवानिवृत्ति दे दो, रिटायरमेंट दे दो, 14 साल में लाए थे मुझे, 90 साल का हो गए मुझे, 90 साल के बूढ़े को रिटायर कर दिया। रिटायर करने के बाद जब वो जो जगह पर फिर से समस्या आई, फारसी राजा को समस्या आई, तो क्या हुआ मालूम है, रिटायर्ड आदमी को उठा के लाया, वापस फिर से स्थान पे लेके आया। सुनिया, रिटायरमेंट लेके चला गया था जो आदमी, उसको उठा के वापस लेके आया, भैया तुम हमारे साथ में रहो, रिटायर मत रहो, यही रहना, यही जीना, यही मरना, लेकिन तुम हमारे साथ। दोस्तों ये है खुदा का परिणाम को आप देख रहे हैं, कितना बड़ा परिणाम है। इस परिणाम को खुदा हमारी जिंदगी में दे सकता है, लेकिन जवानी के दिन जिंदगी में आपने जो निर्णय लिया उस पर निर्भर करता आपका बुढ़ापा। जवानी के जिंदगी में जो आपने निर्णय लिया इस पर निर्भर करता आपका बुढ़ापा। मेरी बात समझ में आ रहा है? सारे पास्टरों से मैं कहना चाहूंगा, पास्टर हमारे जवानी के दिनों में जो आप आज जो निर्णय ले रहे हो, ये निर्णय आपके जब आप बड़े हो जाएंगे, जब आप बुजुर्ग होंगे, तो उस समय जो आपकी पहचान बनेगी ना, वो जवानी के दिनों में लिए हुए निर्णय पर निर्धारित है। इसलिए बाइबल कहता है जवान अपनी जवानी के दिनों में जो मर्जी चाहे कर ले, लेकिन ध्यान रखें खुदा एक दिन इसका लेखा जरूर लेगा। जो करना कर ले भाई, सब सही है, जो करना कर ले। तो इस विश्वास के परिणाम जो है ये दान, और आखिरी में एक और बताता हूं। देखिए बंधुआ की शुरुआत में दानियल को बंधुआ बना के लाए थे, राइट, गुलाम बना के लाए थे। यही दानियल को खुदा ने बंधुआई के दिन खत्म हो गए, अब बंधुआई से वापस जाने का टाइम आ गया, इज़राइल वापस जाने का टाइम आ गया, यरूशलेम वापस जाने का टाइम आ गया, ये किसी और को नहीं बताया, पहले दानियल को ही बताया। जिस परमेश्वर ने गुलाम बनकर नबूकदनेस्सर को ले जाने की इजाजत दिया, उसी परमेश्वर ने दानियल को गुलामी से वापस यरूशलेम जाने के लिए उसको इस्तेमाल किया। तो दोस्तों जब हम किसी मुसीबत में बंधुआई में चले जाते हैं, तो हमें बर्बाद करने के लिए नहीं, बंधुआई से वापस ले जाने के लिए भी हमें खुदा इस्तेमाल करेगा। मेरी बात, मैंने कोशिश किया कि सरल तरीके से आपको समझ में आए। मेरी बात अगर आपको समझ में आई हो तो जरा प्रभु को जरा धन्यवाद करें। यह है हमारी पहचान, ये है हमारी पहचान। इस पहचान के लिए परमेश्वर कहता है कि तुम्हें इस पहचान में बने रहना चाहिए। मेरे अजीजों, जब हम इस पहचान के बारे में बात करते हैं, तो ये पहचान आज आपसे मैं पूछता हूं कि आपकी पहचान क्या है। जहां जितने लोग भी मुझे सुन रहे हैं, आपको, मेरे को जानता हूं कि आप लोगों के पास इंटरनेट की कमी होगी, लेकिन यदि थोड़ी देर के लिए अगर आप अपने वीडियो में कुछ देर के लिए आ जाए, जितने जवान लोग हैं, जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, अगर आप हो सके थोड़ा सा, या पासवान लोग जो भी है, यदि हो सकता अगर आप वीडियो के में थोड़ी देर के आ जाए, तो वीडियो में आकर आप जरा अपने चेहरे को दिखाकर, कितने लोग मुझसे ये बात चुनौती के रूप में कहेंगे कि खुदा मैंने निर्णय लिया है, मैंने ठान लिया है कि मैं तुझे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, क्रूस को लेकर मैं तेरे आगे बढ़ूंगा, मैंने ये ठान लिया है कि मैं तेरे पीछे चलूंगा। जवानी की जिंदगी में आपने जो इरादा बनाया, बुढ़ापे तक आपको ले चलने के लिए वो सर्वशक्तिमान। मैं इन जवानों से चाहूंगा अपने हाथों को जरा मेरे सामने, कितने लोग हैं जो अपने हाथों को उठा के, सारे लोग अपने हाथों को उठा के ये निर्णय लेंगे कि खुदा कुछ भी हो, मेरी प्रतिबद्धता में बदलाव नहीं आएगी। दोस्तों मैं आपको एक बात बताता हूं, खेल खेलोगे आप, ये नाटक करोगे दूसरों के सामने, ये जो है ना खेल जो आप खेलेंगे, इनके सामने उनके सामने जो खेल खेलेंगे, खेल से कोई जीत नहीं सकता। सारे प्रकार के खेल एक दिन पर्दाफाश हो जाए, चाहे आप पैस्टर हो चाहे आप नहीं, खेल में कोई आज तक आगे नहीं बढ़ पाया। ये जो हम लोग जो ये जो नाटक करते हैं, नाटक में कोई आगे नहीं बढ़ पाया। हृदय के साथ पूरी विनम्रता के साथ खुदा के सामने कहे, खुदा मैं अपने जीवन में अपने आप को समर्पित करता हूं। मेरे पास पासवान लोग मिलकर अपनी कलीसिया के जवानों को खुदा के सामने उठाकर, बाकी सारे लोग जो मुझे सुन रहे अपने हाथों को उठाकर, कितने बोलेंगे आई हैव डिसाइडेड टू फॉलो जीसस, मैंने ये निर्णय लिया है कि मैं यीशु के पीछे चलूंगा, मेरी पहचान पर आक्रमण होगी, नाम रखेंगे, मुझे अलग किया जाएगा, मुझे 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 लताड़ा जाएगा, लेकिन मैं खुदावन को कभी नहीं छोड़ूंगा, जिंदगी के आखिरी सांस तक मैं खुदावन के साथ चलूंगा। एक शब्द में दुआ करना चाहूंगा आपके लिए, खुदावन मैं इन सारे लोगों को आपके हाथों में सौंपता हूं, जितने लोगों ने अपने हाथों को उठाया है, निर्णय लिया है, हम आपके पीछे चलना चाहते हैं, क्रूस को लेकर बढ़ना चाहते हैं, पीछे नहीं बढ़ेंगे खुदावन,
हम पीछे कभी नहीं मुड़ेंगे, आगे ही बढ़ना चाहते हैं। लेकिन खुदावंद हमें होने दे कि हमारी पहचान को हम कायम रख सकें। जो पहचान हमें बाइबल के जरिए मिली है, जो पहचान हमने चर्च में पाई है, जो पहचान हमारे माँ बाप ने हमें मसीह यीशु में दी है, इस पहचान में बने रहने के लिए, अंत तक बने रहने के लिए हमारी मदद करें खुदा। और खुदावंद आपके पीछे हम चलना चाहते हैं, और आज हम ये वादा करते हैं कि जिंदगी की आखिरी सांस तक हम आपके साथ ही चलेंगे। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। Thank you.